हमारी फेवरेट वीडियो आपको पता है कि हम इन्हें कितना पसंद करते हैं। वीडियो का टाइटल है कि हजरत उमर का वाक्या। सो फर्स्ट टाइम ऑन रिएक्शन करने लगे हैं। अल्लाह ताला अनु का वाक्या बयान बाय मोहम्मद अजमल रजा कादरी जी का हम बयान सुनने वाले हैं। फर्स्ट टाइम सुनने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा हैवी रिक्वेस्ट थी कि मोहम्मद अजमल रजा कादरी इमोशनल बयान करो इनके बयान पे। और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है, ये बयान वो बयान। सो हम करेंगे, बाकी हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ से। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को लग रहा है पाकिस्तान से हो सकते हैं शायद ये, पर मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। कहाँ से ये और बाकी इनका बयान सुनते हैं फर्स्ट टाइम। अगर पसंद आता है, अच्छा लगता है, देखते हैं कैसा है। आप सभी ने कहा है तो इसका मतलब जरूरी अच्छा होगा। तो उसको सुनते हैं और ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके चेकआउट कर लो। सो करें प्ले। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इमाम इब्न जौज़ी ने लिखा है कि रात को ना घर के अंदर बैठे बैठे अचानक रो पड़े हजरत उमर। 62 साल उम्र है, खिलाफत के आखिरी अय्याम चल रहे, तो रो पड़े ऐसे ही घर में बिला वजह। आपकी अहलिया ने, जौजा ने बेटे को उठाया, फरमाया पता करो तुम्हारे बाप को क्या मसला है, कहीं कुछ तकलीफ तो नहीं, दर्द तो नहीं, साहबजादे आए। अब्बा जी क्या बात है? फरमाया अम्मा को बुलाओ। सब लोग जमा हो गए तो जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे कि बैठो मेरे इर्द गिर्द। सब बैठ गए तो फरमाने लगे, आज जब मैं मस्जिद से निकला था तो मेरे नबी पाक के सच्चे सहाबा, सच्चे रसूल के सच्चे सहाबा, हुजूर के सच्चे गुलाम ये कह रहे थे कि उमर बड़ा ही अच्छा है, अदल वाला है, इंसाफ वाला है। तो अब्बा जी इसमें रोने वाली क्या बात है? तो फरमाने लगे, डर ये लगता है कि बाहर तो मैं अच्छा था, कहीं घर में तो नहीं कोताहियां करता रहा। मेरी बात पे तवज्जो करना, कहीं घर में आप बातें सुन लें तो शायद जितनी मैं करता हूं दूसरा कारी कोई ना सके, लेकिन जब अमल के रास्ते पे हम निकलते हैं तो वो मसदूद है, वो बंद है। अमल किसने करना है? आप कोई आयत पढ़े तो यहां गलती निकालने वाले 20 लोग मिल जाएंगे, 20 लोग, लेकिन उस आयत पे अमल करने वाले कितने मिलेंगे? तो हजरत उमर फारूक रो रहे थे, कहने लगे कहीं तुम्हारे हुकूक तो नहीं पामाल करता रहा। तो आपकी अहलिया ने जब सुना तो वो कहने लगी, उमर मुझे तो बड़ा पुराना शिकवा है, आपका जाहो जलाल इतना था मैं बात नहीं कर सकी। उमर तुमने सारा दिन मस्जिद में गुजार दिया और सारी रात निकाब ओढ़ के मदीने की गलियों में गुजार दी, मैं तो जिंदगी की कोई खुशी देख ही नहीं सकी। चाह तो मेरे अंदर भी थे ना कि मेरा शौहर कुछ घड़ियां बैठता कहीं मुझे लेके जाता, तो मैं तो कुछ नहीं देखा, मुझे बड़ा शिकवा है। तो हज़रत उमर कहने लगे, चल अल्लाह की रिजा के लिए माफ कर दे। भाई माफी बीवी से नहीं मांगी जा रही, माफी अपनी गलती की मांगी जा रही, ये समझ ले। बीवी के लिए तो खामन का बहुत बड़ा मकाम है ना, लेकिन यहां गलती किस बात की है? अपनी कमजोरी पर गलती का इतराफ करके माजरत का सवाल किया जा रहा है। तो हजरत उमर कहने लगे माफ कर दे। तो अहलिया कहने लगी, मैं नहीं माफ करती, मेरी शर्त पूरी करें। फरमाया वो क्या? फरमाने लगी, कयामत में जब अल्लाह आपके लिए जन्नत का हुक्म देगा तो आप मेरी सिफारिश करेंगे अल्लाह की बारगाह में? सिफारिश करेंगे कि या अल्लाह मुझे कपड़े धो के देती थी, मेरी इज्जत की हिफाजत करती थी, मेरे बिस्तर को पाक रखती थी, कहेंगे? तो हज़रत उमर फरमाने लगे, तेरे साथ वादा रहा, रब ने अगर उमर को अपने फजल, अपने करम और अपने महबूब के सदके जन्नत दी तो उमर तेरे बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। अमल का रास्ता, अमल का रास्ता। देखे ना, दो दफा उस्ताद बात करता है, दो दफा, और कोई ज्यादा। एक तो है ना कि एमए और जनाब एमएड और एमफिल और फिर पीएचडी किस्म का उस्ताद, एक वो जो मैट्रिक पीटीसी टीचर है ना, वो दो दफा स्टूडेंट को काम कहे तो तीसरी दफा वो नाराज हो जाता है, कहता है मैं दो दफा कहा है। बच्चे को आप दो दफा कहते हैं और अगर तीसरी दफा कहना पड़े तो गुस्सा आता है, नहीं आता? भाई तूने इतनी दफा कहा, तू समझ नहीं रहा बात को। और अगर अल्लाह करीम कुरान मजीद में सैकड़ों दफा कहे नमाज पढ़ो, सैकड़ों दफा, और ये बहाने कर रहा है, ये भी प्रोग्राम बना रहा है, फिर कहता है मैं बेचैन रहता हूं, मैं बेकरार रहता हूं। अमल का रास्ता इसको इख्तियार करें, आप सुकून में रहेंगे। बदअमल आदमी और बेअमल आदमी
ये हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा अमल करें, तौबा करें तो फिर बदल जाएं, फिर तब्दीली आए। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, जो बदलने वाले थे वो बदल गए, बड़ा कुछ करते थे पर फिर वो लोग बदल गए। हजरत फुज़ाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बड़ा दिलदादा था औरतों का, और मेरा माहौल ये था कि मैं कत्ल भी कर लेता था माज़ अल्लाह, चोरी भी कर लेता था, और रात मेरी तबीयत थी माज़ अल्लाह नई से नई औरत के पास जाना। कहते हैं अबू जाल ने ऐलान किया कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का सरे अकदस माज़ अल्लाह काट के लाएगा, नकले कुफर कुफर न बाशर, 100 सुर्ख ऊंट इनाम मिलेगा। तो मैंने इरादा कर लिया कि मैं बहुत सारा इनाम हासिल करूंगा। कुरान मजीद में ना अल्लाह फरमाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर मैं रिस्क में कुशादगी दे दूं, ज्यादा पैसे दे दूं, फरमाया बागी हो जाएं वो सरकश हो जाएं। ये बहुत सारे लोगों को जो अल्लाह तबारक व तआला इत्दाल में रखता है तो ये उनके लिए बेहतर है। हर बंदा दौलत के होते हुए नेक हो सकता तो ये अल्लाह अगर रखता है ना इत्दाल में तो शुक्र करे अल्लाह का, वरना तो लोग अय्याशियां करें, पता नहीं क्या कुछ कर गुजरे। तो हजरत फुज़ाला कहते हैं कि मैंने खंजर तैयार किया और मैंने बगल में उसको छुपाया, ऊपर मैंने चादर ओढ़ ली। अब मैं, मुझे पता था जोहर की नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़े काबा के लिए, बैतुल्ला शरीफ के तवाफ के लिए जाते हैं। कहते मैं भी उस तरफ बढ़ा, रस्ते में ना वो खातून जिसके घर मैंने रात आना था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने कहा कि तैयार रहना, तैयार रहना, आज मैं बड़े पैसे लेके आऊंगा। उसे मैंने ये कहा और फिर मैं चला गया बैतुल्ला शरीफ का तवाफ करने। कहते अल्लाह के महबूब भी तवाफ कर रहे थे तो मैंने भी तवाफ शुरू कर दिया। इरादा ये था कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे करीब से गुजरेंगे तो मौका पाकर मैं हुजूर के जिस्मे अकदस पर खंजर खोप दूंगा और माज़ अल्लाह शहीद कर दूंगा। कहते हैं हुजूर एक दफा भी मेरे पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, दूसरी दफा भी पास से गुजरे तो मैं हिम्मत ना कर सका, तीसरी दफा भी गुजरे तो मैं हिम्मत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-3 दफा गुजरे तो फरमाते हैं कि मुझे मौका ना मिला, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने रोब के साथ मेरी मदद फरमाई, दुश्मन पर मेरा रोब तारी हो जाता है। फरमाते हैं जब चक्कर पूरे हो गए तो महबूब करीम ना छठे चक्कर पे फरमाने लगे, फुज़ाला चक्कर एक रह गया है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, एक फेरा रह गया है। कहते तवाफ मुकम्मल हो गया तो महबूब मेरे करीब आए, फरमाया वो काम करते क्यों नहीं जिसके लिए आए थे। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह कौन सा काम, कैसा काम, अंदर तो चोर था ना, बांझ फकीरों किसे नहीं मारिया, एहो ही चोर अंदर दा, अंदर चोर था ना। कहते हैं हुजूर ने मुझे कंधे से पकड़ के हिलाया, फरमाया करते क्यों नहीं। जब हुजूर ने हिलाया तो वो खंजर भी पैरों में गिरा और मैं भी रसूलुल्लाह के पैरों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा दें। कहते हैं हुजूर ने पहले मेरे दिल पे दस्ते मुबारक फेरा, फिर मेरे नबी ने मुझे कलमा पढ़ा दिया। अब ना मुरीद होने वाला कहता है कि जी आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता का क्या तर्जुमा, ये बिल्कुल समझ नहीं आती भाई। किसी बंदे से 5 लाख रुपया लेना है तो उससे वो कहता है जी मैं आहिस्ता आहिस्ता दूंगा, 500 रुपया दे दिया करूंगा रोज का, तो कहते मेरी रकम खराब होती है, पूरे दो। और नेकी की बात जब आती है तो कहते हैं हजरत साहब दीन इतना सख्त नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाऊंगा। अब मैं मगरिब शाह पढ़नी शुरू कर दी है मैंने, अब मैं तस्बीह ले ली है कल मैंने भी, आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा। यानी रकम लेनी हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल नहीं है, लेकिन और मकान की रजिस्ट्री अगर करानी हो तो मालिक मकान कहेंगे आहिस्ता आहिस्ता करा लो। कहते हैं पैसे पूरे दिए, सवेरे चल और बयान दे, ये क्या बात हुई। यहां ये जो हमारा माहौल था ना, कर लेंगे हो जाएगा, यकीन करें लोग कब्रों में चले गए हैं पर मस्जिदों में नहीं आए। हर काम से लोग रिटायर हुए पर गुनाहों से रिटायर नहीं हुए, आखिर तक तबाही उतर गई लेकिन लोग बदलने को तैयार ना हुए। हजरत फुज़ाला कहते हैं अभी मैंने कलमा पढ़ा, अभी मैं वापस आया, रस्ते में वो बीबी खड़ी थी, कहते हैं मैं वो शख्स था कि औरतें मरती थी मेरे ऊपर और किसी की जरूरत थी कि वो आए बाएं शाएं करे, लेकिन फरमाते हैं मैं बीबी के पास से गुजर गया। पहले तो उसका ख्याल था रुकेगा, लेकिन जब मैं रुका ना तो दरवाजे पे आई, और जब मैं गुजर गया तो उसने आवाज दी,
लेकिन मैंने सुनी अनसुनी कर दी। जब आगे बढ़ा तो मेरे पीछे दौड़ी। फरमाते मुझे पकड़ के कहने लगी, फुजाला तुझे क्या हुआ, तू वही नहीं जो यहां से गया था? आप फरमाते मैं कभी नहीं रोया था, मैं कभी नहीं रोया था। और जब कहा ना तू वही नहीं, कहते मैंने सर उठाया तो मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा मैं जो गया था वो नहीं हूं, अब तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया, अब मैं वो नहीं हूं। अब नहीं हो सकता कि कोई मेरी नजर मैली हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? अब ना इस्लाम की तारीफ हमने ये की है कि खबरदार कोई हमारे करीब ना आए, हम किसी को बात नहीं करने देते कि हम मुसलमान हैं, हम बात नहीं करने देते। पता क्या बात है, एक मेरी ये तकरीर होती है मिंबर पे और एक मेरा अमल होता है जब मैं सफर करता हूं, जब मैं गाड़ी में बैठता हूं, जब मैं दोस्तों से मिलता हूं, जब इन दोनों बातों में तजाद आता है ना, तजाद, तो लोग तकरीर को जज्बात नहीं कहते, एक फन बन जाती है तकरीर। आपको पता है ना वाइजीन नाथ खां कहते हैं मैंने महफल लूट ली, फिर लोग शुमार करते हैं कितने लोगों ने सुबहान अल्लाह कही, फिर लोग शुमार करते हैं कि आज पांच बंदे रोए भी थे जब मैं तकरीर कर रहा। तो फिर ये फन है, ये जज्बात का इजहार। समझ ले बात को कि अमल जब आप नहीं ना करते अमल, तो आप खुद बड़े बेचैन रहते हैं कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, ये कौन सा गोरख धंधा है कि मेरा अमल सिफर होता जा रहा है। हमारे एक उस्ताद थे तो वो फरमाया करते थे कि अगर पढ़े लिखे आदमी को तुम बेअमल देखो तो उससे दूर हट जाया करो, वरना तुम्हें भी बेअमल कर देगा। मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा हुजूर ये क्या है, तो फरमाने लगे अपने हजरत साहब से पूछना, वजाहत करेंगे। मैंने हजरत साहब से कहा जी अजीब बात कर दी है, इल्म वाले बंदे के पास बैठ के तो इल्म आता है। तो वो फरमा रहे थे कि इल्म वाले बंदे के पास अगर वो बेअमल हो तो बिल्कुल ना बैठना। तो हजरत साहब फरमाने लगे उन्होंने सही कहा है। अब बात बहुत बड़ी है, पता नहीं आपकी समझ में आती है नहीं आती, बहरहाल कर देता हूं। पढ़ा लिखा बंदा अगर बेअमल हो तो उसके पास, तो मैंने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि वो अपनी बेअमली पर भी दलाइल देगा। पहली बार हमने इनका बयान सुना है, लेकिन पहली बार बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत कमाल का बयान लगा यार, थोड़े थोड़े ना उनकी तरह लग रहे हैं, जस्ट अपनी तारीफ सुनी है ना नबी की तरफ से मेरी तारीफ, और लेकिन मैंने सोचा कि मैं घर पे तो कोई कुछ है ना ऐसा नहीं, कमाल ही लगी मेरे। जब उन्होंने कहा कि अगर मैं जिंदा तुम्हें जाऊंगा तो साथ में लेके जाऊंगा, मुझे माफ कर दो वो कहते, तो उनकी अहिल्या कहती कि नहीं मैं माफ़ नहीं करूंगी, है ना एक शर्त है मेरी, है ना तभी मैं माफ़ करूंगी कि अगर आप जन्नत में जाओगे तो मुझे भी साथ में लेके जाओगे ना। हाँ। वहाँ बताओगे कि इन्होंने मेरे लिए खाना बनाया, ये किया वो किया ना। एंड सेकंड चीज़ ये बहुत सही बताया उन्होंने, जैसे हम कहते हैं कि यार देख लेंगे ना इस चीज़ को, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे, कुछ गलत करके हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं देख लेंगे यार वहाँ जाएंगे बाद में जाएंगे ना, लेकिन ऐसे करते करते बंदा जो है वो अपने ज़िंदगी के आखिरी मुकाम पे पहुंच जाते, लेकिन वहां तक वो चीज नहीं होती है। तो इससे अच्छा ये है कि काल करे सो आज कर, काल नहीं कल, कल काल कॉल करे, कल करे सो आज कर, और आज करे सो आगे का बाप बोलोगे, अब आगे का बाप बोलोगे, बस यही है। आगे क्या है? नहीं है, है आगे है, बोल भी रहा क्या है, तो बोल है तो पर मैं परलय हो जाए है कुछ ऐसे मैंने सुना, खुद आता नहीं है ऐसा है। तो ये था, तो बहुत अच्छा बयान लगा मुझे इनका, सही बात है ना, सीखने वाली बातें बताई हैं, राइट। और बयान सजेस्ट करो उनके जो आपको पसंद है, आपके फेवरेट है, जो भी है बातें। और एक चीज बहुत कमाल की गई कि मतलब कोई इंसान पढ़ा लिखा है लेकिन वो अमल नहीं करता तो उसके पास मत जाओ, बिल्कुल सही कहा। उस पढ़ाई का फायदा क्या ना जब आप उस पढ़ाई को किसी यूज में नहीं ला रहे हो। अच्छा इनके मतलब एक बात कहूँ मैं जनरली कि जैसे मतलब इनके बयान है कमाल के हैं, अच्छे बयान है, पर इनके बयान पे ना मतलब ज्यादा व्यूज नहीं है, मतलब ज्यादा पब्लिक नहीं देखती है, या वो हमें बहुत कम बयान है जो मेरे को अभी तक लिस्ट में दिखे ना, मैंने जैसे मेरे को लिंक आया तो नीचे इनके और बयान शो होने लग पड़े ना, सो एक मिलियन से ऊपर तो है ही नहीं, बड़े रेयर व्यूज है ना। मेरे को नहीं पता वैसा क्यों, क्योंकि बहुत कमाल के हैं इनके बयान, अभी एक ही सुना है तो बात करने का तरीका बहुत सही है इनका ना। सो बाकी आप सभी सजेस्ट करते रहे, हम रिएक्शन करते रहेंगे। बाकी फिलहाल इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।